हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए 10 मज़ेदार पहेलियाँ के साथ पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जो कि फनी पहेलियाँ हैं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहेली नंबर 1, ऐसा क्या है जिसे हम काटते हैं, पीसते हैं और बांटते भी हैं, पर खाते नहीं? इसका जवाब है ताश के पत्ते। तो चलिए अगले पहेली की ओर बढ़ते हैं। पहेली नंबर 2, ऐसा कौन सा फल है जो कच्चे में मीठा और पकने के बाद खट्टा या कड़वा लगता है? इसका जवाब है अनानास, यानी कि पाइनएप्पल, क्योंकि यह जब कच्चा रहता है तो भी अच्छा लगता है, अन्यथा पकने के बाद खट्टा या कड़वा लगने लगता है। तो चलिए अगले पहेली की ओर बढ़ते हैं। पहेली नंबर 3, ऐसी कौन सी चीज़ है जो है तो आपकी पर उसे दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं? वह है आपका नाम। तो चलिए अगले पहेली की ओर बढ़ते हैं। पहेली नंबर 4, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आदमी छुपा कर चलता है और औरत दिखा कर चलती है? इसका जवाब है पर्स, क्योंकि आदमी अपना पर्स पॉकेट में रखता है, लेकिन औरत अपना पर्स हाथ में लेकर चलती है। इस पहेली का जवाब किसको किसको पता था, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगले पहेली की ओर बढ़ते हैं। पहेली नंबर 5, ऐसा कौन सा फल है जो मीठा होने के बावजूद भी बाज़ार में नहीं बिकता है? इसका जवाब है मेहनत का फल। इस पहेली का जवाब किसको किसको मालूम था, ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगले पहेली की ओर बढ़ते हैं। पहेली नंबर 6, ऐसा क्या है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है मगर कोई भी उसे ठीक से पढ़ नहीं सकता? वह है किस्मत। किस्मत तो लिखा हुआ होता है दोस्तों, लेकिन कोई भी इसे पढ़ नहीं सकता है। तो चलिए अगले पहेली की ओर बढ़ते हैं। पहेली नंबर 7, वह कौन है जो बगैर पैरों के भागता है और कभी लौट कर वापस नहीं आता? वह है वक्त या समय, क्योंकि दोस्तों एक बार वक्त या समय जाने के बाद दोबारा लौट कर नहीं आता है। तो चलिए अगले पहेली की ओर बढ़ते हैं। पहेली नंबर 8, वो क्या है जो सिर्फ बढ़ती है पर कभी घटती नहीं? वह है उम्र, यानी कि एज। दोस्तों आप लोगों का कितना एज हुआ है, वह हमें कमेंट में बताइएगा। तो चलिए अगले पहेली की ओर बढ़ते हैं। पहेली नंबर 9, वह क्या है जो आपके सोते ही नीचे गिर जाती है और आपके उठते ही वह भी उठ जाती है?
वह है हमारी पलकें, क्योंकि दोस्तों जब हम लोग सोते हैं तो पलकें नीचे की ओर हो जाती है और जैसे ही उठते हैं पलकें ऊपर हो जाती है। तो चलिए अगले पहेली की ओर बढ़ते हैं। पहेली नंबर 10, जिसको सोने के लिए पलंग नहीं, रहने के लिए महल नहीं और ख़ास बात उसके पास एक रुपया भी नहीं, फिर भी वह राजा कहलाता है, बताओ वह कौन है। वह है शेर, क्योंकि दोस्तों शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हाँ, ऐसी नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। टेक एंड अटेम्प्ट सुपरफास्ट नॉलेज 2.0, माइंड ब्लोइंग। बाय बाय।